16 साल बीत गए सर इस घटना को। नहीं, इससे हम लोगों के सीख लेना ही चाहिए। और प्रत्येक वर्ष हम लोग, चूँकि नागदा खान दुर्घटना में जो भी मजदूर मरे वो बहुत ही दुखद घटना थी, और हम समझते हैं जो इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम लोगों को, सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए। और ख़ास करके इस जगह पर कॉमरेडेस ए के रॉय, विनोद बिहारी महतो, एस के बख्शी, इन लोगों की जो है ये क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब सांगठनिक रूप से सबसे ताकतवर हम लोग, तो इसलिए हम लोगों के लिए एवं हमारे यूनियन के लिए, बिहार को लिए कामगार यूनियन के लिए भी बहुत बड़ी क्षति हुई। तो हम तमाम लोगों को हमारी यूनियन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोग आशा करते हैं जो उनके परिवार जो है इस दुख भरी दुखित घड़ी को आगे भी वो लोग ठीक से ले जा सकते। अगर घटना के बाद क्षेत्र वीरान हो गया, 50,000 की आबादी के समक्ष मरने की स्थिति है। नहीं, ये बात सही है, जो आज भी यहाँ कोयला का रिजर्व है, और हम लोग अगले बार भी मांग किए थे जो फिर से दोबारा इस माइंस को स्टार्ट किया जाए। BCCL से बात करेंगे जो किस तरीके से दोबारा इस इलाके को और भी माइंस फिर से चालू किया जा सके। ये जो घटना 2006 में हुआ था ये बहुत ही दुखद घटना है, और मेरा ख्याल से ये BCCL का सर्वाधिक जो एक्सीडेंट का विक्टिम्स है ये हुआ था। तो हम लोग चाहते हैं कि इससे हम लोग शिक्षा लें और आगे हम लोग सेफ्टी का साथ काम करें और ऐसा दुखद घटना ना हो। पर जो भी इसमें बलिदान दिया है, मैं इन लोगों को, आत्माओं को फिर से शांति के लिए कामना करता हूं भगवान से, और उनका परिवार भी थोड़ा सुख रहे अभी का दिन में, और BCCL इसको देखभाल कर पाए इसका ही उम्मीद करता हूं। सर, जो BCCL के जो क्वार्टर है, बोल नहीं पाएंगे, बट आज का दिन में हम लोग ये बोर्ड में ही जो जा रहे हैं इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग स्पेशल ऑडिट के दायरे में और कैसे हम लोग सेफ्टी को देख पाए, ये पहले से हम लोग थोड़ा स्टडी कर पाए कि ऐसा घटना और पुनरावृत्ति ना हो, तो इसका पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। के बाद पूरे क्षेत्र साल भर से इस पर कार्यरत है, और बीच बीच में हम आते रहते हैं। हम जो प्लान करते हैं, जो सामने तालाब था एक, उसको साफ सफाई का, उसका उद्धार करने का, और इसके ऊपर शेड बनाने का, और ये रोड को बनाने का, इसका प्रस्ताव ऑलरेडी हम बनाए हुए हैं। अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूव होगा अगला साल जब आप आएंगे, तब तक उम्मीद करते हैं कि सब बना हुआ आपको मिलेगा और इसका तिरस्कार नहीं होगा। शहीद स्थल है, एक लाइट का व्यवस्था भी सर उसमें नहीं है। हाँ, लाइट वगैरह सब उस प्लान में, हमारा जो प्रपोजल है उसमें लाइट की व्यवस्था, सड़क और इसका थोड़ा शेड वगैरह की व्यवस्था इसका है। अब तक न होने के का ठीक है, अब तो बीत गया, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग इस पर कार्यरत हैं और इसको नेग्लेक्ट नहीं किया। उपेक्षा अब तक के लिए ये कुछ भी नहीं है, समय के हिसाब से आदमी चलता है, अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है।